टोलिया डॉट पी के में खुश आमदीद मैं हूँ आपकी मैथ इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद आज हम ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर ट्वेल्व को डिस्कस करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं उसका जो नाम है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं हमारे पास क्या है अ ट्राइंगल है सिक्स एलिमेंट्स थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री क्या होती हैं साइड्स होती हैं इन ए ट्राइंगल ए बी सी द मैयर ऑफ द एंगल्स जो हैं उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गहमा और इसकी साइड्स होती हैं वो डिनोट होती हैं ए बी सी से रिस्पेक्टिवली इफ एनी ऑफ थ्री आउट ऑफ सिक्स एलिमेंट्स आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन साइड आर गिवन द रिमेनिंग थ्री एलिमेंट्स कैन बी डिटर्मिनेट दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द अननोन एलिमेंट्स इज कॉल्ड द सल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हमारे पास हमने चैप्टर नाइन में डिस्कस किया है अगर हमारे पास जीरो मैयर और नाइन्टी फोर्टी फाइव में मैयर अगर ये सब एंगल्स हों तो हमने इनके लिए ट्राइंगल्स को सॉल्व किया है अगर हमारे पास ये केस ना हो तो फिर हम क्या करेंगे हमने फिर भी ट्राइंगल का सलूशन निकालना है तो इस चैप्टर में हम

केस वन हमारे पास क्या है जब हमारे पास दो साइड गिवन हो ट्राइंगल की और राइट right ट्राइंगल की बात हो रही है तो हमारे पास एक एंगल जो होगा वो क्या होगा नाइन्टी डिग्री का होगा और केस टू क्या है हमारे पास जब हमारे पास एक साइड और एक एंगल गिवन हो हमारे पास एक साइड एक एंगल गिवन हो और हमारे पास क्या हो एक जो है वो एंगल हमें पता है कि वो 90 डिग्री का होगा इन केसेस को हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे इन केसेस को देखते हुए हम जो है सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करेंगे हमारे पास जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं दो साइड्स गिवन है और गैमा जो है 90 डिग्री यानी सी पर हमारे पास राइट एंगल बन रहा है होप सो so, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा थैंक यू